अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कराते होंगे। और जहाँ भी कहीं होंगे अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ऐसे ही हंसते मुस्कराते आप रहें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जिन जिन व्यूवर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें दिल से थैंक्स। और आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है मेरा, तो वो एक फ़नी क्लिप है, एक फ़नी वीडियो है। तो फ़नी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसमें जो बातें हो रही हैं, जो सीन हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। दो लड़के हैं और उन्होंने ये वीडियो बनाई है और बहुत ही फ़नी है। बातें उनकी इतनी प्यारी है और उनकी बातों में सच्चाई भी है कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, आप भी इंजॉय करें। तो आप लाजमी वो वीडियो देखनी है और साथ में इंजॉय भी करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं वो वीडियो। अरे नहीं नहीं, रुकें तो सही, किटी से तो मिल लेना। मेरी किटी भी आपको देख रही है, हेलो कर रही है और बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि आज इसने लिया है शावर और इसलिए ये बहुत प्यारी लग रही है। और अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई होती हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। तो ये कितनी प्यारी है, अल्लाह पाक ने इसको कितना प्यारा बनाया हुआ है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, अब आप देखें वही फ़नी वीडियो। ओ अम्मा, तुसा क्या बकरियाँ खोलियाँ? और कौन खोला गया? थोड़ा प्यो खोला गया, निके मुंडे की आखी छोड़ा गया ना, वो खोली कि नहीं यार। तुसा दो जो कोई एक भी आखा लगना, जिला बकरियाँ ना टाइम होना था, तुम मैच खेलने जाने ठीक हो, जाओ ना मैच खेलने वास्ता। हूँ नहीं था पीछा कसते मुँह कटे या नहीं था। अम्मा तुस ना बकरियाँ खोलिया करो, लोग असा की गला बहाने, असा की शर मशनी, तुस ना बकरियाँ खोलिया करो। बल करने ना लोग तुसा की गला बहाने, बड़ी तुसा की लोग गला बहन लगे था, तुसा की गैरत आई थी, तुसा की शर्म होना चाहिए ना। बुढ़ी माँ या बकरियाँ ने मगर गई हुई था, असा खोला तुसा मैच खेलने जाने ठीक हो, तुसा ना प्यो सारी दिहाड़ी कार लेटिया रहना। तो मैं दस क्या करा, मैं बकरियाँ ना खोला, वाहन चाह गया ना कि भुखिया मारी छड़ा। बड़ा आया थी मेरी गैरत दस लगा, इसकी गैरत आई थी, जिला लादी की गैरत ना रहा, तो माँ प्यो बकरियाँ मगर खजल होने आने, तुसा भी दोए कार लेटे ना, प्यो भी तुसा ना कार लेटे आया, तो मैं बकरियाँ खोल सना था, और क्या कर सा। कार जुलो दादी बुलाने पेनिया, कोटली अली फूफो आई है। कैसे आई थी तारी फूफी? उसी कुछ फोन करी था, बुलाई छड़िया मैं, अपने काम नहीं मुकने था, वो कैसे अपना टब्बर नाल त्रोई था कि इंता आई थी उसी। दादी बुलाया, दादी फोन करी बुलाया, दादी आखिया के आ रोजे अदका इतनी रखिया था, दादी उसकी फोन करता बुलाया, अदका नहीं कड़ी गाल गया, साल साल जनानी अपना टब्बर की इंता आई जाने, साल साल इतना अच्छी था, रोजिया बच्चे मिगी तंग करी छड़नी ना है। आपे दोए माँ तियाँ रोजा रखी, तो 12 बजे तोड़ी सुतियाँ ही नहीं उठनिया, तो ये जड़े इन्होंने 8-8 कुड़िया मुंडे नौ नौ इन्ना की मैं रोजा रखी, तो चूल्हे का खाली तंदूरा का खाली रोटी पकाई पकाई दे दे थकी जानी हाँ, कि मैं लोहे नहीं बनी नहीं, मैं अपने काम करा के मैं तुसनिया फूफिया था चाचिया ने काम करा। एवं जनानी जिसला नहीं था रोजे अशने का जनानी, उसकी पहला महीना सदी किन्नी, बड़ा थोड़ी दादी मिगी तंग किता आया। अला छोड़ो बकरियां की, तो जुलो घर अबू भी आखिया कि अम्मी की किन्ना था ना लछियां, उन जुलो घर था फूफो की रोटी पकाई था दियो। मैं कोई ना अलग आरशनी, मैं मसे मसे बकरियां खोली था आंधियां, ता फूफी की आस आटा मट्टी चू कड्डी, ता गुनी ता पकाई किन, हाथ कोई नहीं भजे वे ना, दादी थोड़ी ने हाथ भजे वे था ना फूफी ने भजे वे, पकाओ ता अपने कुड़िया मुंडिया की दियो, माड़े करना सुनिया की ता अच्छा कर, मता मैं जुतियां ना सिर कुटाई जाने ली गल करियां, बड़ा इतना फूफिया ना मैं थी बनी ता आया थी, कम करने को नहीं सारी दिहाड़ी बेले कट्टे घर लेटे रहने, मैच खेडा खेडता बड़े आ ठी फूफो आई, जो फूफिया की लोरियां दियो तुसा, ता फूफिया लो देन लोरियां तुसा की, निकलना हो इतना मारा। हाँ फ्रेंड, तो ये था फनी क्लिप जो मैंने आपके साथ शेयर किया और मुझे भी अच्छा लगा। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं ना, मुझे ये अच्छा लग रहा है, इतना बोलना मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ये वाली जो जुबान है ये मुझे अच्छी लग रही है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब मैं ये देख रही थी, तो आई होप आप भी मुस्कराए होंगे, थोड़ी देर के लिए आप भी खुश हुए होंगे। तो फ्रेंड, आज मौसम बहुत प्यारा है, अभी तो मैं छत पे हूँ और छत पे थी धूप, और धूप जाने जाने वाली धूप थी, मतलब बाय बाय करने वाली धूप थी, और बाकी तो सब सो रहे थे, और जो किटी थी वो भी जाग रही थी, मानो भी सोई हुई थी। तो ये भी मेरे पीछे आ गई, तो मैंने इसको उठा लिया गोदी में, और फिर दीवार से इसे मैं बाहर का नजराना कराने लगी, लेकिन ये डरती हैं ज़्यादा ऊँचाई पर, इन्हें रख के कुछ दिखाओ मतलब बाहर वाला मंजर दिखाओ तो ये डर जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसे पकड़ा ही हुआ था, इसे मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कहा कहीं गिर ही ना जाए नीचे। तो ये तो थी वीडियो, और अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ हालात बेहतर हुए हैं पाकिस्तान के,
तो बस दुआ करें मुकम्मल बेहतर हो जाएं। और आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, और लाजमी कमेंट्स में बताना है। तो अब आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक और सब्सक्राइब, और दुआ में रखना है याद, और अपना रखना है ढेरों सारा ख्याल। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ एक नए दिन, अगर ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।